हेलो स्टूडेंट्स वेलकम गुड इवनिंग आई होप यू आर ऑल गुड वेरी सॉरी स्टूडेंट्स आज हम मैं अपना माइक और कैमरा जो उसको यूज़ नहीं कर पा रहा मैं थोड़ा ट्रैवल कर रहा था तो मैं सारा सेटअप अपना नहीं ले कर जा पाया पर मैंने सोचा था क्लास मैंने बनाई है तो मैं क्लास ज़रूर ले लूँगा मैंने स्लाइड्स बनाई थी पर आई मेरी सॉरी की कैमरा और माइक आज हम यूज़ नहीं कर पाएंगे ठीक है तो शुरू करते हैं हाँ आज मैं जो ई e पेन होता है उसको भी नहीं लेकर आ पाया अपने साथ तो सिंपल से मैंने सोचा स्लाइड्स बनाई है तो आपको हम लोग क्लास जरूर रखते हैं ठीक है तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हमारी आज की क्लास को ट्वेंटी नाइन्थ ऑफ जून के हिसाब से आज हमको यहाँ पर अपनी क्लास को कंडक्ट करना है ठीक है और जैसा आपको पता है कि हम लोग फाइव न्यूज़ डेली बेसिस पे करते हैं उन्हीं के बेसिस पे क्वेश्चन करते हैं तो आज की पांच न्यूज़ कौन कौन सी होंगी हम बात करेंगे जी सेवन सबमिट फोर्टी एथ एडिशन ऑफ द जी सेवन सबमिट जो रिसेंटली कंडक्ट किया गया था और जर्मनी में हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया वैसे तो इंडिया एक जी सेवन मेम्बर नहीं है पर इंडिया को इनवाइट किया गया था और भी कंट्रीज को इनवाइट किया गया था तो प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर प्रेजेंट थे सेकेंड न्यूज़ है इंटरनेशनल एम एस डे के बारे में एम आपको पता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस इसको सिंपली अगर समझ आए तो ये ऐसी फर्म्स ऐसी कंपनीज है जो बहुत बड़े स्केल पर काम नहीं करती है एम एन सीज नहीं होती है कॉर्पोरेट्स नहीं होते बड़े बड़े ये छोटी फर्म्स होती है मैं आपको बताऊंगा इंडिया में एमएसएमई की डेफिनेशन क्या होती है ठीक है थर्ड न्यूज़ है जोमेटो आप बिल्कुल जोमेटो को जानते हो फूड डिलीवरी मतलब कह सकते हो इंडिया में शायद फूड डिलीवरी में सबसे बड़ा नाम है जोमैटो रिसेंटली जोमेटो ने एक्वायर कर दिया ब्लकट को आपने ब्लिट के बारे में पक्का सुना होगा ब्लंकिट का पुराना नाम क्या होता था तो मैं आपको वो भी बताऊंगा क्यों जोमेटो ने एक्वायर किया ब्लकट को ये डील की क्या वैल्यू थी ये समझेंगे फोर्थ न्यूज़ मुकेश अंबानी ने रिज़ाइन कर दिया पर ये जो रेजिग्नेशन है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड से नहीं दिया गया ये दिया गया है जो इनका टेलीकॉम सेक्टर जियो ठीक है जीओ, तो अब आकाश अम्बानी नए चेयरमैन बनेंगे रिलायंस जियो के रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड जिसके अंदर सब कुछ आता है आर आई एल जो इक, सबसे बड़ा ब्रांड है उसके अभी भी चेयरमैन मुकेश अम्बानी ही रहेंगे ठीक है आज की लास्ट न्यूज़ फिफ्थ न्यूज़ तो ये जो जी सेवन का समिट हुआ तो उसमें हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जी सेवन लीडर्स के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके गए थे और उन्होंने बहुत ध्यान दिया कि ये सारे गिफ्ट्स शोकेस करें इंडिया के ट्रेडिशन को इंडिया के क्राफ्ट को कल्चर को तो मैंने आपको पिक्चर्स भी दिखाऊंगा कि क्या क्या गिफ्ट वेरियस लीडर्स के लिए हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने अपने साथ कैरी किया शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को सबसे पहले बात करते हैं मेरे बारे में मेरा नाम ना है अभिनव जोशी चार साल से गुजारता है इनसे मैं स्टूडेंट्स को करंट अफेयर्स अफेयर्स की तैयारी करवा रहा हूँ वेरियस गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को लेट्स स्टार्ट आज की फर्स्ट तो एडिशन ऑफ समिट देखो वैसे तो G7 है क्या देखो मैं आ, मैं ना आपको सबसे पहले G7 से ही समझाने की कोशिश करता हूँ तो G7 है ग्रुप ऑफ सेवन इसको बनाया गया था 1975 में तो 1975 में दुनिया की सात सबसे बड़ी इकोनॉमीज G7 थी वैसे तो G8 भी होता था पहले पर रशिया को बाहर निकाल दिया तो G8 में से जब रशिया बाहर निकल गया तो सात ही कंट्रीज बची तो जी हो गए ठीक है तो आज जी में कैनाडा फ्रांस जर्मनी इटली जापान यू के ठीक है ये सात कंट्रीज़ हैं और यूरोपियन यूनियन भी बैठ जाता है ई भी साथ में बैठ जाता है तो ये जो सात कंट्रीज़ और यूरोपियन यूनियन जो है इनकी जब मीटिंग होती है उसको हम बोलते हैं जी सेवन ठीक है तो जब ये बना था 1975 में तो आप कह सकते हो 1975 की दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज वाली जो कंट्री थी उन्होंने अपने आपको जी सेवन डिक्लेयर कर दिया ठीक है अब जी सेवन की जब मीटिंग होगी तो जैसे कैनेडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो यू के जो बाइडन फ्रांस के इमानुअल मैक्रॉन यूरोपियन यूनियन के जो कमिश्नर है प्रेजिडेंट रस्सा बॉन जर्मनी और जर्मनी तो इस बार होस्ट कर रहा था जर्मनी में आपको बताया प्रेजिडेंट प्राइम मिनिस्टर पावर में नहीं होते चांसलर होते हैं तो हमेशा जो जर्मनी के जो चांसलर है ठीक है आपने सुना होगा एंजेला मर्कर का नाम पर अब चेंज हो चुके हैं उनका नाम है ऑलफ ऑफ ठीक है तो इन्होंने ही एक तरह से वेलकम किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी तो वैसे तो जी सेवन में ये सब कंट्रीज ही होनी चाहिए इनके लीडर्स भी होने चाहिए पर ये लोग क्या करते हैं ये लोग एक तरह से अपने समिट को थोड़ा और बड़ा बनाने के लिए या फिर थोड़ा और प्रोफेशनल बनाने के लिए कुछ और कंट्रीज को भी इन्वाइट करते हैं इसमें इंडिया ऑलमोस्ट होता ही होता है ये जो जी सेवन कंट्रीज थी ना जो 1975 में बनी थी इन्होंने 1999 में जी ट्वेंटी बना दिया तो जी ट्वेंटी का सेम कंसेप्ट जब बनाया गया 1999 में तो दुनिया की जो 20 सबसे बड़ी इकोनॉमीज थी उसको जी ट्वेंटी बोला गया तो जी ट्वेंटी में जी सेवन तो सारा का सारा आ गया रशिया आ गया फिर कुछ कंट्रीज जैसे सऊदी अरेबिया इंडोनेशिया इंडिया जो बड़ी इस टाइम पे इकोनॉमीज है उन सबको मिलाकर जी ट्वेंटी बन गया तो आई होप आपको जी ट्वेंटी जी सेवन यहाँ से समझ लग गया अब देखते हैं ये वाला जो समिट था तो 2022 में जी सेवन का जो समिट था जर्मनी के पास चेयरमैनशिप थी तो जर्मनी ने इसको होस्ट किया और अर्जेंटीना इंडिया इंडोनेशिया सेनेगल साउथ अफ्रीका ये आप कह सकते हो कि एक तरह से इन्वाइटिस थे जो जी के अलावा इन्वाइट किए गए थे फोर्टी एय थ्रेडिशन था हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने काफ़ी एंथजम से यहाँ पर पार्टिसिपेट किया उन्होंने जी सेवन नेशन्स को इनवाइट किया कि इंडिया में एक बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है क्लीन एनर्जी की क्लीन एनर्जी आप समझते हो सोलर विंड जियोथर्मल और इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने इनवाइट किया जी सेवन सब्मिट में सारी जी सेवन कंट्रीज़ और इन्वाइटर्स को कि आप इंडिया और इंडिया में इतनी बड़ी जो एक मार्केट बन रही है क्लीन एनर्जी की उसमें आके पार्टिसिपेट करो आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे ठीक है जी ने काफ़ी सारी अनाउंसमेंट करी कि हम लोग सिक्स बिलियन डॉलर की मोबिलाइजेशन करेंगे इतने पैसे को हम लोग मूव करेंगे दो तक और इससे दुनिया भर में इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बनाया जाएगा इससे हम ग्रीन प्रोजेक्ट्स बनाएंगे डेवलपिंग कंट्रीज़ को मदद करने की कोशिश करें आपको पता है मतलब अनाउंसमेंट तो बहुत तरह की होती है पर एक्चुअली कुछ वर्क हो वो थोड़ा कम ही होता है इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने यहाँ पर एक इनिशिएटिव लाइफ जो ग्लोबल इनिशिएटिव है लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट कैंपेन इसके बारे में बात करी जो कि एक ऐसा तरीका है लाइफ जीने का जिसमें हम इन्वायरमेंट के बारे में सोचें रशिया यूक्रेन क्राइसिस के बारे में काफ़ी बात हुई जी सेवन ने रशिया के ऊपर और स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन लगाने की बात यहाँ पर करी प्राइम मिनिस्टर ने इंडिया की ग्रीन इकोनमी के बारे में बड़ा कुछ बोला जैसे उन्होंने बताया कि किस तरह से हम लोग बहुत ध्यान दे रहे हैं कि इंडिया में ग्रीन टेक्नोलॉजी को और आगे लेके जाए जो लो कार्बन टेक्नोलॉजी होती है लो कार्बन टेक्नोलॉजी से मतलब अगर आप पेट्रोल डीजल कोल ये सब यूज़ करोगे तो हाई कार्बन टेक्नोलॉजी जिसमें से सी बहुत नहीं रहा है लो कार्बन टेक्नोलॉजी मतलब जहाँ पर इन सब का यूज़ नहीं किया था तो बताया गया कि लो कार्बन टेक्नोलॉजीज की जो मार्केट है वो 80 बिलियन डॉलर तक पहुंच जाएगी 2030 तक सिर्फ इंडिया की बात हो रही है फिर प्राइम मिनिस्टर ने बताया कि कैसे 40 परसेंट जो हमारी एनर्जी कैपेसिटी है हम नॉन फॉसिल फ्यूल से बना दें मतलब हाइड्रो सोलर ठीक है जो टोटल रिक्वायरमेंट है उसका फोर्टी परसेंट हम लोग नॉन फॉसिल फ्यूल से बना रहे फिर प्राइम मिनिस्टर ने बात करी कि कैसे हम इथेनॉल ब्लेंडिंग करते हैं तो इथेनॉ ब्लेंडिंग में हम क्या करते हैं जो पेट्रोल है ना उसमें हम थोड़ी सी मिलावट कर देते हैं इथेनॉल की इथिनॉल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो शुगर इंडस्ट्री में बनता है और ये मिलावट कोई गलत मिलावट नहीं होती इससे हमको फायदा होता है क्योंकि जब पेट्रोल में इथेनॉल की मिलावट करो उतना पोल्यूशन थोड़ा कम करता है और उसके अलावा क्योंकि इथेनॉल हम डोमेस्टिकली खुद ही बना लेते हैं पेट्रोल तो बाहर से मंगाना पड़ता है तो हमारा थोड़ा पैसा बच जाता है फिर प्राइम मिनिस्टर ने बात करी कि किस तरह से इंडिया में हम लोग जैसे फुली सोलर पावर ऑपरेटेड एयरपोर्ट जैसे अभी आपको पता होगा कोची एयरपोर्ट हमारा एक ऐसा एयरपोर्ट है जो टोटल सोलर एनर्जी पे चलता है ठीक है दुनिया का पहला ऐसा एयरपोर्ट फिर रिसेंटली आई जी आई जो है दिल्ली एयरपोर्ट जो है उन्होंने भी अनाउंस किया कि वो भी इस महीने से जो भी बिजली यूज़ करेंगे वो भी टोटली रिन्यूएबल पर शिफ्ट हो जाएंगे तो इस सबके सारे अनाउंसमेंट जो थी हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर ने करी और उन्होंने इन्वाइट किया दुनिया भर की बड़ी बड़ी कंट्रीज़ को और उनको बोला कि आप इंडिया के ग्रीन इनिशिएटिव्स में अगर इन्वेस्ट करोगे आपको बहुत अच्छे रिटर्न मिले जी सेवन जी ट्वेंटी मैंने आपको समझा दिया यहाँ पर बड़ा सिंपल एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ आज से कुछ हफ्ते पहले कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी जो सी की मीटिंग है वहाँ पर हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया था कि इंडिया एक कार्बन न्यूट्रल कंट्री बन जाए कार्बन न्यूट्रल ये होता है कि जब आप जितना सी ओ टू रिलीज करो आपके पेड़ वगैरह उसको उतना ही एब्जॉर्ब कर लें अभी ऐसा नहीं अभी हम बहुत ज़्यादा सी टू रिलीज करते पेड़ वगैरह उतना एब्जॉर्ब नहीं कर पाते पर हम कार्बन न्यूट्रल बनेंगे ऐसा प्राइम मिनिस्टर अनाउंस किया था किस साल तक ईयर बताने की कोशिश करो लाइव चार्ट में सेकेंड न्यूज इंटरनेशनल एमएसएम ई देता सबसे पहले मैं आपको एम एस एम ई की डेफिनेशन ही समझा देता हूँ उसके बाद इस न्यूज को समझेंगे तो देखो एमएसई में तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है बहुत ज़्यादा एम्प्लॉज नहीं होती है ढाई सौ ज्यादा एम्प्लाईज अगर किसी कंपनी में काम करें उसको एम एस एम ई नहीं बोलते पर इंडिया में सबसे अच्छा तरीका है एम एस एम ई को समझने का कि कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना है उसका टर्न ओवर कितना है जैसे माइक्रो के अंदर इन्वेस्टमेंट एक करोड़ से कम कर। टर्न ओवर पाँच करोड़ से कम कर। स्मॉल के अंदर इन्वेस्टमेंट दस करोड़ से कम टर्न ओवर पचास करोड़ से कम मीडियम के अंदर इन्वेस्टमेंट बीस करोड़ से कम टर्न ओवर सौ करोड़ से कम तो इस तरह से बनती है एम मतलब ये अब आप खुद देखो जो बड़ी बड़ी कॉरपोरेट्स होते हैं उनमें तो कई के सौ हज़ार करोड़ की बात हो रही होती है पर एम एस एम ई में यहाँ पर थोड़ा छोटे स्केल पे बात की जाती है ठीक है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है आप देख सकते हो एम एस एम ईस की फोटोज लगी हुई हैं इनको सपोर्ट करना बड़ा ज़रूरी होता है ये दुनिया भर में एग्जिस्ट करती है तो इंटरनेशनल एम एस डे हर साल ट्वेंटी ऑफ जून को होता है पूरी दुनिया में पूरी दुनिया को बस ये समझाना है कि क्यों एम एस को सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा ट्वेंटी सेवन ऑफ जून का एम एस डे जो है ये मतलब अनाउंस किया गया था 2017 में इन्होंने अनाउंस किया था कि इस तरह से एक दिन हम लोग रखा करेंगे इस साल का थीम है रेजिलेंस एंड रीबिल्डिंग एम एस एम ई फॉर सस्टेबल डेवलपमेंट हाँ यूनाइटेड नेशंस के हिसाब से देखो ये भी देखो एम एस एम ई ना होती है तो छोटी फर्म्स है पर सबसे ज़्यादा लोग इसी में काम करते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज तो बहुत कम होती हैं तो दुनिया में सबसे ज़्यादा इम्प्लॉयमेंट एम एस एम ई देती है दुनिया की जी डी पी का पचास परसेंट सोचो सिर्फ फिफ्टी परसेंट दुनिया की जो जी डी पी है वो एम एस एम ई से आई है बड़ी बड़ी कंपनी से नहीं आ रही फिर उसके बाद अगर इंडिया में हम बात करें तो इंडिया में तो एम एस एम ई बहुत सारे लोगों को नौकरी देती है अगर आप नंबर ऑफ कंपनीज के हिसाब से देखो तो दुनिया की नाइन्टी परसेंट रजिस्टर्ड फर्म्स एम एस एम ई हैं ठीक है थीकर? तो ये बहुत ज़्यादा बड़े पॉइंट्स हैं जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज अपने साथ लेकर चलते हैं और उनको सपोर्ट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और इंडिया में मैंने आपको बता दिया कि एम एस एम ई की एक डेफिनेशन है हम एम एस एम ई कंसिडर करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड टर्न ओवर तो इंडियन इकोनॉमी में एम एस एम ई का क्या रोल है तो आपको यह मैं बता दूँ कि आ, एम एस एम ई जो है ना वो इंडिया में ऑलमोस्ट थर्टी परसेंट जो जी डी पी है उसको संभालता है एक्सपोर्ट्स में ऑलमोस्ट फिफ्टी परसेंट संभालता है और इंडिया में मैक्सिमम जो मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज में जॉब है जो ग्यारह करोड़ के आसपास है वो भी एम एस एम ई देता है तो इंडिया के लिए तो एमएसएमई की इंपॉर्टेंस बहुत ही ज़्यादा है ठीक है यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ उससे पहले चलते हैं अपने फर्स्ट न्यूज़ पर वहाँ जो क्वेश्चन पूछा था उसको डिस्कस कर लेते हैं बड़ा सिंपल क्वेश्चन था तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अनाउंस कर चुकी है कि 2070 बिल्कुल तो रोहित प्रियंका शुभम बिल्कुल से बता रहे हो ट्वेंटी सेवेंटी हमारा टारगेट ईर है जब तक हमको होना है कार्बन न्यूट्रल यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ थोड़ा एम एस एम ई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछता हूँ क्वेश्चन है माइक्रो हाँ वो कौन सी फर्म है वो कौन सी फाइनेंशियल बॉडी है जिसका रोल है कि वो एम एस एम ईस को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है तो कौन सा बैंक या कौन सी फाइनेंशियल बॉडी है जिसका ये काम है क्यों एम एम को लोन्स वगैरह प्रोवाइड करे कोशिश करो लाइव चैट में उसको अटेंड करने की चलते अपनी थर्ड न्यूज़ पे जोमैटो एक ब्लकट आपने ब्लंकट को बिल्कुल अभी रिसेंटली देखना शुरू किया होगा आप सोचते हो कि एकदम से कहाँ से कंपनी आ गई ठीक है और अब तो चलो इसका एक्वायर भी हो गया जोमैटो में तो आपको अभी समझ में लग जाएगा ब्लिंट कौन सी कंपनी है इसका पुराना नाम क्या है कहाँ से आया ठीक है तो ब्लिकेट को जोमैटो ने एक्वायर कर लिया अप्रॉक्सीमेटली साढ़े चार हज़ार करोड़ की ये डील थी समझ लेते हैं इस डील के बारे में तो जोमैटो आप बिल्कुल जानते हो उन्होंने अनाउंस किया कि वो क्वायर करने जा रहे हैं ब्लिट कमर्स जिसको पहले ब्लिकेट बुलाते थे उससे पहले बुलाते थे ग्रोफर्स आपने ग्रोफर्स इंडिया आपने को पक्का सुना होगा तो वही असल में में फिर बाद कमर्स बन गया तो जोमैटो के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो एक तरह से कंपनी को कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करते हैं उन्होंने अप्रूव कर दिया एक प्रपोजल कि हाँ ब्लिकेट जिसको इस टाइम पर थोड़ी फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है उसमें जोमेटो पैसा लगाएगा जोमेटो उसको खरीदेगा पहले भी वैसे जोमैटो ने कुछ लोन्स वगैरह दिए हुए थे ब्लंकेट को ग्रोफर्स को वही जो पुराने नाम थे पर अब तो जोमैटो ने यहाँ पर पूरे ही ओनरशिप ले ली ठीक है तो देख सकते हो जोमेटो ऑलरेडी ओन्ड नाइन परसेंट स्टेक तो नौ परसेंट तो इनके पास पहले ही था और अब इन्होंने और एक्स्ट्रा पैसा लगा के यहाँ पर जो ऑलमोस्ट सारा ही स्टेक है उसको यहाँ पर ले लिया है ब्लिंकेट को रीब्रांड किया गया था ग्रोफर्स है मतलब ग्रोफ़र्स का ना ऐसा हो गया था कि बड़ी सारी प्रॉब्लम्स आ गई थी तो इन्होंने सोचा कि अपना ना नाम बदलते हैं ठीक है एक नई शुरुआत करते हैं पर फाइनेंशियली फिर भी प्रॉब्लम थी इनको और ब्लंकड कोशिश करता था जो इंडिया में एक नई चीज़ शुरू हो रही है कि दस मिनट डिलीवरी टेन मिनट डिलीवरी तो ये बड़े सारे ब्रांड्स हैं जो ये टेन मिनट डिलीवरी पे फोकस करने आते हैं जो जोमेटो खुद अनाउंस कर चुका है कि वो भी करेंगे तो ऐसा ही होगा कि जैसे आपके घर के आसपास ना छोटी छोटी दुकानें होंगी जिसमें आप नहीं जा सकते उन दुकानों में बहुत सारा सामान होगा आप अपनी ऐप पर ऐसे ऑर्डर करोगे कि आपको चलो जैम चाहिए ब्रेड चाहिए मे बी कॉर्नफ्लैक्स चाहिए ठीक है तो जो भी आपके घर के आसपास एक छोटा सा स्टोर होगा दुकान स्टोर टाइप होगा जिसमें कस्टमर्स नहीं जा सकते वहाँ जो भी ब्लेंकेट का इंसान होगा वो तीनों चीज़ें निकालेगा एक डिलिवरी और उसके बाद जल्दी से आएगा और आपको सामान देकर चला जाएगा ठीक है तो ये जो दस मिनट की डिलीवरी है ना एक बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली इंडिया में और उसमें ब्लेंकेट एक अपना अच्छा खासा प्रेजेंस बनाने की कोशिश कर रहा था पर चलो अब ये जो जोमैटो है वो मतलब ऐसा नहीं है कि जोमैटो पूरा ब्लिकेट को ख़त्म करने वाला है बस जोमैटो अब ओनरशिप रखेगा जैसे वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट में ओनरशिप रखी अब ऐसा तो नहीं कि फ्लिपकार्ट पूरा खत्म ही हो गया ठीक है पर हाँ मतलब ओनरशिप वॉलमार्ट की इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा तो जोमैटो के बारे में तो आप जानते हो कि इनकी तो एक जो कंसेप्ट था बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट था रेस्टोरेंट्स को कस्टमर्स के साथ जोड़ दिया और बीच में सब कुछ जो था ख़त्म कर दिया सीधे आप अपने हिसाब से तो जो ऑर्डर करना करो और आपको डिलीवरी वाला घर पर आ सब कुछ दे जाएगा ठीक है इसमें भी अगर आप देखो तो दुनिया की बहुत सारी फॉर्म स्टार्टअप्स ने अपने पैसे लगा कर रखे हुए हैं फाउंडर्स के नाम लिखे हुए हैं दो में बना था पर आप इसको जानते हो गए सात आठ साल पुराने टाइम से क्योंकि उससे पहले ये जो करते थे बहुत ज़्यादा मतलब हम इनके बारे में नहीं जानते हेडकवाटर्स हैं गुड़गांव हरियाणा में और तो नहीं मुझे लगता है हमारे देते हैं बॉडी कुछ यहाँ पर है ठीक है तो यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछू उससे पहले चलते हैं अपनी सेकेंड न्यूज़ के क्वेश्चन पे क्वेश्चन क्या था हाँ कि वो कौन सी फाइनेंशियल बॉडी है जिसका काम होता है एमएसएमई को लोन वगैरह प्रोवाइड करना तो वो होती है सिडबी सिडबी होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ठीक है सॉरी मैं अपना मार्कन यूज़ कर पा रहा तो जो सिडबी होती है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया वो असल में प्रोवाइड करता है लोन्स वगैरह माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस फर्म्स को यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ क्वेश्चन है कि ठीक है क्वेश्चन है कि इंडिया में एक और फूड डिलीवरी ब्रांड होता था जिसको आज से कुछ टाइम पहले जोमैटो ने एक वायर कर लिया था वो जो फूड डिलीवरी ब्रांड था उसका नाम क्या था पहले आपको उसकी ऐप आप वगैरह सब दिखती थी अब न्यूज की ऐप वगैरह आती थी कोशिश करो बताने की कि वो कौन सा प्लेटफॉर्म की मैं बात कर रहा हूँ जो आज से कुछ टाइम मतलब कुछ मैं तो कहूँगा साल पहले तक एक्टिवली वो लोग अपना काम वगैरह कर रहे थे पर उसके बाद उसमें उसको एक्वायर कर लिया गया एक जोमेटो के द्वारा वैसे एक्वायर किया गया था और अब वो नाम पूरा ख़त्म हो गया ठीक है कोशिश करो आपको बिल्कुल पता होगा क्योंकि काफ़ी फेमस है ठीक है चलो चलते अपनी फोर्थ न्यूज़ पर चलो ठीक तो चलते हैं अपनी फोर्थ न्यूज पे तो जब मुकेश अंबानी ने एक आ, अपनी सब्सिडरी कंपनी रिलायंस के अंदर एक सब्सिडरी कंपनी अनाउंस की थी रिलायंस जियो तो इसको ऐसे देखा जा रहा था कि चलो ठीक है जैसे बाकी टेलीकॉम ब्रांड्स हैं ये भी चल जाएगा इनके भी चलो फ़ोन्स वगैरह आ देंगे पर किसी को ये नहीं पता था कि जो जियो एक रेवोल्यूशन लेके आएगा उसका इतना बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा सिर्फ इंडिया पर नहीं दुनिया पर जो जियो ने एकदम से इंटरनेट डाटा को सस्ता कर दिया हम लोगों के लिए जो चीज़ पहले एक जी बी इंटरनेट में भी एक सौ पचास दो सौ रुपये का था उसको दस से बारह रुपये में देना शुरू कर दिया उससे इंडिया में एक इतनी बड़ी मार्केट बनी जो कि ऑनलाइन बेस्ड मार्केट आप देखो कि जोमेटो स्विगी क्यों हम यूज़ करते, है? है, यूज करते हैं Facebook, YouTube, क्योंकि इंटरनेट सस्ता है ठीक है हम इंटरनेट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक यूट्यूब इतने बड़े कैसे ब्रांड्स बन गए क्योंकि इंटरनेट हम बहुत यूज़ करते हैं ठीक है उसके बाद अन अकेडमी बायडूस ये सब ये सब कहीं ना कहीं क्योंकि हमारे पास इंटरनेट है तब हन सबको देख पाते हैं और एक बहुत बड़े ब्रांड्स बन चुके तो जियो एक रेवोल्यूशन जो इंडिया में ले आया था उसका अभी तक कोई एक कंपैरिजन हमने ऐसा कभी ऐसे एक रेवोल्यूशन इंडिया के मार्केट में कभी नहीं देखा ठीक है तो मुकेश अंबानी रिज़ाइन करेंगे एज दी चेयरमैन ऑफ़ जियो मतलब एक तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ी एक कंपनी शुरू करी उसको एक डायरेक्शन दी उसको क्रिएट किया और आज जियो एक बहुत बड़ा ब्रांड है और अब वो उसको पास ऑन कर रहे हैं अपने जो बेटे आकाश अंबानी को ठीक है वो नए जियो के चेयरमैन होंगे तो मुकेश अंबानी के सबसे जो एल सन है आकाश अंबानी वो टेक ओवर करेंगे एज दी चेयरमैन ऑफ़ जियो इन्फोकॉम बोर्ड ये एक तरह से ऑफिशियल नाम है जियो का ठीक है एक तरह से यही देखा जा रहा है कि मुकेश अमानी यहाँ पर सक्सेशन के ऊपर प्लान करें कि जो मेरी अगली जनरेशन है वो कैसे काम संभालना शुरू करेगी ठीक है और भी कुछ लोगों का नाम था कि मे बी वो बनाए जा सकते हैं पर उनको अभी तो बोर्ड में रखा गया डायरेक्टर्स बना दिया गया पर जो चेयरमैन है वो यहाँ पर मुकेश अमानी के जो सबसे बड़े बेटे उनको बनाया जाएगा मुकेश अमानी सी की तरह तो अभी भी काम कर ही रहे हैं मतलब जो आर है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो सबसे बड़ा ब्रांड है जिसके अंदर रिलायंस के सारे काम होते हैं उस वहाँ पर अभी भी मुकेश अब सुपर बॉस अभी भी मुकेश अंबानी है पर पहले वो सुपर बॉस की तरह तो काम कर ही रहे थे और रिलायंस जियो के भी चेयरमैन खुद थे पर अब वो एक तरह से रिलायंस जियो जो है वो अपने बेटे का आशमानी को देना चाहते हैं आर के अंदर तीन तरह की मेजरली काम होते हैं पेट्रोकेमिकल्स तो ये रिलायंस जो पेट्रोल डीजल में लगी हुई है पेट्रोकेमिकल्स ऑयल रिफाइनिंग एक है रिटेल जिसमें रिलायंस डिजिटल रिलायंस ट्रेंड्स वगैरह होती है और डिजिटल सर्विस जिसमें रिलायंस जियो वगैरह होती है तो मेजरली तीन सेक्शन में रिलायंस काम करता है और ये तीनों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अंदर काम करते हैं जिन जहाँ पर अभी भी चेयरमैन है मुकेश अंबानी ठीक है तो जियो आप देख सकते हो तो रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड और फाउंड किया गया था वैसे तो 2007 में फाउंड किया गया था पर जो इन्होंने एक मेन इम्पैक्ट डाला ना वो डाला है कुछ 2014-15 के आसपास आकर ठीक है जो इन्होंने बहुत ही बड़ा इम्पैक्ट डाला और पंद्रह सोलह सत्रह वो तो इनका एक ऐसा टाइम था जब इन्होंने पूरा एक रेवोल्यूशन ही लेकर आया पूरी हमारी टेलीकॉम मार्केट में ठीक है चलो ठीक है यहाँ पर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ उससे पहले चलते हैं अपनी थर्ड न्यूज में तो बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि वो कौन सा फूड डिलीवरी ब्रांड था जिसको एक्वायर कर लिया था आज से कुछ साल पहले जोमेटो ने और काफ़ी बड़ा ब्रांड था तो आपने बिल्कुल प्रियंका बिल्कुल सही बता रहे हैं ऊबर ईट्स तो ऊबर इट्स अभी भी दुनिया भर में काम कर रहा है पर इंडिया में ऊबर ईट्स को मतलब ऊबर रीट्स इंडिया को जोमेटो ने एक्वायर कर लिया था तो अब वो जो ब्रांड है वो इंडिया में काम नहीं करता ठीक है चलते है अपनी यहाँ पर भी आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूँ क्वेश्चन बस ये बता दो रिलायंस जियो के आने की वजह से कोई एक या दो टेलीकॉम कंपनी बताओ जिनका बिजनेस इंडिया में खत्म हो गया उनको इंडिया की मार्केट छोड़ के जाना पड़ा क्योंकि रिलायंस जियो ने इतना बड़ा एक वो बना दिया था एक इतना बड़ा कंपटीशन क्रिएट कर दिया था कि और उसको कोई संभाल ही नहीं पा रहा था तो कोशिश करो बताने की कि कोई ऐसे एक या दो टेलीकॉम ब्रांड जो रिलायंस जो की वजह से पूरे खत्म हो गए ठीक है चलते तो इसमें एक न्यूज़ नहीं है एक तरह से बस आपको मतलब ऐसा नहीं है आपको इनको रट के जाना है कुछ ऐसा नहीं है बस एक अपडेट ही है क्योंकि पूरी दुनिया में बड़ी बात हो रही है कि जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने विजिट किया जर्मनी में ठीक है जो जी सेवन के लीडर से वो मिले जो वहाँ पर जी सेवन का समिट उन्होंने अटेंड किया तो वो बहुत यूनिक से गिफ्ट ये मतलब एक एक रिचुअल होता है जब भी आप किसी एक वर्ल्ड लीडर को मिलते हो किसी और कंट्री के तो हमेशा गिफ्ट्स वगैरह दिए जाते हैं जैसे कोई अगर इंडिया आता है तो वो भी अपने साथ पक्का कोई गिफ्ट वगैरह ज़रूर लेकर आता है पर हमारा तो एक मतलब इंडियन कल्चर तो आप समझते हो इसमें तो एक एक चीज़ बहुत ही सिंपल है कि हाँ अगर आप किसी के घर जा रहे हो तो खाली हाथ नहीं जाते है, ठीक है तो यही चीज़ को एक बहुत बड़े लेवल पे भी प्राइम मिनिस्टर भी फॉलो करने की कोशिश करते हैं जब भी किसी बड़े लीडर को या किसी को भी मिले तो एक गिफ्ट ज़रूर लेकर जाते हैं तो अगर आप देखो यहाँ पर सिंपली आप देख सकते हो जो यूएसए के प्रेसिडेंट जो बाइडन को क्या क्या गिफ्ट दिए गए उनका नाम लिखा हुआ है गुलाबी मकानी ब्रूच ठीक है और एक पिक्चर लगाई हुई छोटी सी जापनीज पी एम फूमियो किशा ठीक है उनको यहाँ पर आ, कुछ पॉटरी आइटम्स दी गई हैं अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट अर्जेंटीना एक स्पेशल इन्वाइटी था एल्बेटो फिरनास उनको यहाँ पर एक नंदी थीम डोकरा आर्ट पीस दिया गया आप देख सकते हो और ये भी लिखा हुआ है कि कौन सी स्टेट से जुड़ा हुआ है जैसे जो जो बाइडन को गिफ्ट किया गया था वो यूपी से जुड़ा हुआ था पूम्यो किश्डा का गिफ्ट यूपी से जुड़ा हुआ था अर्जेंटीना के जो प्रेसिडेंट का गिफ्ट छत्तीसगढ़ से जुड़ा हुआ था बोरिस जॉनसन जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वैसे तो चलो ब्रिटिश लोगों के पास इंडिया का सामान काफ़ी वो लेकर चले गए थे पर चलो फिर भी अभी भी हम लोग इस कल्चर को मेनटेन करते हैं तो उनको एक हैंड पेंटेड टी सेट दिया था ठीक है ये यूपी से जुड़ा हुआ है फिर अगर आप देखो फ्रेंड्स प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन उनको दिया गया एक इतर बॉक्स ठीक है और इसमें कुछ जो सेंट्स वगैरह वो उनको डाला गया था ये यूपी से जुड़ा हुआ है इटालियन प्राइम मिनिस्टर जो है ठीक है उनको यहाँ पर क्या दिया गया एक मार्बल इनले टेबल टॉप दिया गया ठीक है इसको एक टेबल टॉप है आपने देखा होगा ये आजकल जैसे कई बार आप जाते हो ना कोई ऑथेंटिक से रेस्टोरेंट वगैरह में जो थोड़ा कल्चर दिखाए वो भी टेबल टॉप्स को यूज़ करती है यू से जुड़ा हुआ है फिर जो सैनिकल के प्रेजिडेंट हैं माकी सॉल उनको यहाँ पर दिया गया आ, मूंज बास्केट और कॉटन डूरिस्टिका ये कॉटन डूरिस्ट ये मूंझ बास्केट ये दिए गए ये भी यूपी से जुड़े हुए हैं उसके अलावा अगर आप देखो कनाडा के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वैसे तो चलो इंडियंस इतने कैनेडा में वो जरूर सब कुछ लेके जाते होंगे पर चलो उनको यहाँ जस्टिन टूडो को दिया गया एक हैंडमेक सिल्क कारपेट कश्मीरी कारपेट जो थी बहुत फेमस होता है इंडिया में भी जर्मनी के जो चांसलर जो एक तरह से होस्ट कर रहे थे सबमिट कर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को भी उन्होंने ही वेलकम किया था ऑल ऑफ स्कॉल्स जर्मनी के जो चांसलर उनको दिया गया एक आ, मेटल मुरुद्दी कार्विंग मटका ठीक है तो एक मेटल का मटका मट टाइप है ये दिया गया ये भी यूपी से जुड़ा हुआ है इंडोनेशिया के जो प्रेजिडेंट है ठीक है उनको क्या दिया गया उनको दिया गया एक राम दरबार आप देख सकते हो यही मतलब जो पहली फ़ोटो में लगाई थी वो यही वाली लगाई थी थोड़ा सा यहाँ पर ये भी लिखा हुआ है कि इटालियन प्राइम मिनिस्टर को जो ये पीस दिया गया ये असल में ये सोच से दिया गया कि ये रोमन अपार से जुड़ता है और जो इंडोनेशियन प्रेजिडेंट को ये जो पीस दिया गया ये दिया गया जो रामायण से जुड़ता है ठीक है तो बहुत सोच समझ के गिफ्ट्स को चूज़ किया गया और इन गिफ्ट्स को यहाँ पर मतलब दिया गया और ये ऐसी चीज़ होती है जब अगली कंट्री का जो लीडर है वो उसको अपने पास नहीं रख सकता क्योंकि ये एक ऑफिशियल गिफ्ट है तो उसको जैसे यू के जो प्रेजिडेंट को गिफ्ट दिए गए वो वाइट हाउस में रखे जाएंगे ठीक है जो बैठे अपने साथ कभी नहीं उसको लेके जा सकते ठीक है तो फोर्थ न्यूज़ में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कुछ ऐसे टेलीकॉम ब्रांड्स जो रिलायंस जियो का जो एक एक रेवोल्यूशन आया था इतना बड़ा उसकी वजह से खत्म हो गए देखो वोडाफोन और आइडिया जो थे अलग अलग थे पर उनको एक साथ आना पड़ा वीआई बनाना पड़ा अभी भी उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है टाटा डोकोमो ख़त्म हो गया बी एस एन एल का हाल मतलब है प्रेजेंस पर ख़त्म हो गया एस एल खत्म हो गया ठीक है बहुत सारे ऐसे ब्रांड थे जिनको जो सर्वाइव ही नहीं कर पाए बिल्कुल सही बात है ठीक है और यहाँ तो चलो अलग से मैं आपसे क्या ही क्वेश्चन पूछूँ तो इसके स्टा आज की क्लास में जितने क्वेश्चन जितने न्यूज जितने तो, टॉपिक मुझे कवर करने थे मैंने कवर कर लिए आई होप ये क्लास आपकी यूजफुल थी आई एम वेरी सॉरी कि जो बाकी एसेसरीज मैं यूज़ करता हूँ माइक और कैमरा और पेंटेबो मैं आज यूज़ नहीं कर पा रहा कल की क्लास में सबको वापस मैं लगा दूंगा वापस से कंटिन्यू करेंगे आज एक्चुअली मैं थोड़ा ट्रैवल करा था इस वजह से ये चीज़ें मैं पॉसिबल नहीं थी मेरे साथ यूज़ करने के लिए तो मिलते हम अपनी कल की कल शाम की क्लास के अंदर तब तक लिए थैंक यू एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल डे अगर आपको क्लास अच्छी लगी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो इस वीडियो को लाइक कर सकते हो शेयर कर सकते हो हम मिलते हैं कल शाम की क्लास में थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी सक्सेसफुल थैंक यू